क्या है रामकिशोर जी? ये 50 साल से मेरा कब्जा है, जमीन है, उस पर कह रहे हैं खाली कर दीजिए। कौन कर रहे हैं? कोई नोटिस है? जी पेज नंबर 14 देखा जाएगा मेरा। आपके पास ये जमीन कैसे आई? ये हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में काम करते थे, हमारे दादा परदादा करते थे, उसी समय हमको अलॉट हुआ कि आप रहिए उसमें। हम एजेंट रसीद है, देखा जाएगा, ये रखिए 2 देखा जाएगा। हु अपीयर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड? अरे मिस्टर, हु अपीयर्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड? कौन है, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है? जिला परिषद बेतिया का है। हम जिला परिषद से हम अपीयर। इधर आइएगा ना, हम पूछ रहे हैं दो बार, तो आप चुप होकर देख रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। कॉपी तो दे ही होंगे आप। 2014 में कौन जिला परिषद के वकील थे? 15 में आप थे, तो फिर कैसे बोल रहे हैं कि कॉपी नहीं दी है आपको? आपके जिला परिषद के प्रेडिसेसर लॉयर ने कॉपी नहीं दिया, फाइल नहीं दिया, तो आप इन पर बोल रहे हैं? बोलिए कि एक कॉपी दिलवा दिया जाए। कॉपी दीजिए इनको, काउंटर एफिडेविट विद इन बाय फर्स्ट सेकंड वीक ऑफ फरवरी, फेलिंग विच जिला परिषद का कौन होता है? चीफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जिला परिषद will personally appear. In the meantime, the petitioner, no coercive steps shall be taken against the petitioner for vacating. मिलोड इसमें उजुर हमने एक आईए पेटी। आप कौन है? आई मिलोड इंटरवेनर पेटी। आप इधर आइएगा ना कि उधर खड़े हैं। इंटरवेनर पेटीशनर। आप कौन है? इंटरवेनर उस हाउस में उजुर ज्वाइंट फैमिली में ना, हम भी मेंबर हैं, इन्होंने अलग से रिलीफ फाइल करने के लेने के लिए। आप ज्वाइंट फैमिली के हैं? क्या है इनके आप? इनके हम कजिन है, चचेरे भाई हैं। कैसे चचेरे? कजिन नहीं, हिंदी हिंदी में कैसे चचेरे भाई? नहीं हुजूर, हम दिया। आपके पिता, आपके बाबा और इनके पिता क्या? दोनों भाई थे। कितना बड़ा मकान है? 10 दूर का मकान है, उसी में हुजूर देखिए। तो बंटवारा सूट फाइल किया आपने? एक पेंडिंग है। एक पेंडिंग है। पेंडिंग है ना? हाँ, तो अगर पेंडिंग, हम आई विल प्रोटेक्ट यू दैट यू विल ऑल्सो नॉट बी एविक्टेड, योर इविक्शन योर मैंने दिस। अगर आप दोनों में से एक आदमी भी लाया और आप पूरे को अगर निकाला जा रहा है, तो आपके तो फेवर में है ना, इसीलिए सेम रिलीफ के लिए उन्होंने पिटीशन डाला था। सेम रिलीफ के लिए तो रिट डालना होगा आपको। प्रोटेक्शन हम वेल, नाइदर द पिटीशनर नॉर द इंटरवीनर शैल बी एविक्टेड। म्यूटेशन का मैटर है हमारा, ददिया ससुर के समय से ही ये इस प्लॉट पर घर बना करके रहते हैं। और उसके बाद काउंटर आया, काउंटर में यहाँ से चिट्ठी लिखी गई, काउंटर आया, काउंटर में देखा जाएगा। अरे आप काउंटर और रिट पिटीशन का कॉपी इनको दीजिए, कल सुनेंगे। ये कॉपी पूरे ब्रीफ का दे दीजिए साहब। वास्तविक पर्चा का केस है, फ्रॉडुलेंटली हमने जमीन खरीदा था 5.5 किस पर, एक नहीं जमीन, इट इज इक्वल टू 2 अबाउट 2 कट्ठा। और कब खरीदा आपने? 1960 में हमारे हस्बैंड खरीदे थे, उसका उनका डेथ हो गया, तो हम गसेहु घर बना करके उस पर फूस बड़े बना करके रह रहे हैं। अब बगल के खरीद बगल के हैं रहने वाले दामोदर, रेस्पोंडेंट नंबर 7, उन्होंने उनका पक्का मकान अपना है बगल में, बगल में रहने की वजह से अब उन्होंने एक रेट केस कर दिया अगेंस्ट बाय वेंडर, हम जिनसे खरीदे थे, और उसमें धोखा से उनके पति के नाम के बदले मेरे पति का नाम डाल दिया। जो बासकीन का केस किया किया अपने वेंडर के खिलाफ, लेकिन सिर्फ परेशान करने के लिए उनके पति की जगह मेरे पति का नाम डाल दिया। अब इसके चलते हमको बेदखल कर रहे हैं। बात जब गई बढ़ते बढ़ते कलेक्टर के यहाँ, कलेक्टर ने देखा कि तो कोई कंप्लायंस नहीं है, इगल धोखे से किया गया है, सेटिसाइड कर दिया पर्चा, उसके बाद भी खाली नहीं कर रहे हैं। और हमको पर्चा तो गलत है। नहीं नहीं, आप छोड़ दीजिए हुकुमनामा, कलेक्टर का ऑर्डर है कि नहीं इनके फेवर में, ये बताइए। कलेक्टर का ऑर्डर हुजूर, पेज नंबर 57 में फाइनल ऑपरेटिव पोर्शन है,
इट स्टार्ट्स फ्रॉम रद्द किया जाता है जी। हाँ रद्द कर दिया 2007 में कलेक्टर ने रद्द किया। तो कलेक्टर साहब अब क्या कर रहे हैं, अब इनका खाली क्यों नहीं करा रहे हैं? ये तो मंटा बीएलटी तो गया है। बीएलटी में क्या हुआ इसके बाद? बीएलटी गया नहीं, ऐसे नहीं। तब हम गए डीसीलार के यहाँ के, खाली नहीं कर रहे हैं, आदेश कीजिए खाली करने का, ऑर्डर कंप्लाई करने का। डीसीलार साहब ने ऑर्डर किया कि खाली कीजिए, नहीं माने। फिर हम लोग तब चले गए कमिश्नर के यहाँ, कमिश्नर साहब ने हमारा एप्लीकेशन अलाउ किया कि नहीं खाली कर दीजिए, नहीं माने। तब वो लोग आ गए बीएलटी, बीएलटी में आए कहने की नहीं डीसीलार एवं कलेक्टर कमिश्नर का ऑर्डर गलत है। लेकिन कलेक्टर का ऑर्डर तो अपनी जगह खड़ा है, तो कौन एक्सक्यूट करेगा कलेक्टर का ऑर्डर? हाई कोर्ट अदर साइड को नोटिस हो गया है जी? नहीं हुआ है। इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर 7 बोथ प्रोसेस 1 वीक। काउंटर एफिडेविट है किसका? ऑन बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 3 to 14। नहीं 3 to 14 है नहीं, रेस्पोंडेंट नंबर 7 ही होना चाहिए ना इसमें सिर्फ जी। 3 to 14 कैसे होगा? नहीं नहीं रुकिए रुकिए, ठीक है रुक जाइए। 7 तक ही है रेस्पोंडेंट है। हाँ देख, नहीं नहीं देख रहे हैं सिनॉप्सिस, इतना चीज आ जाता है ना, असली गायब हो जाता है। कौन से प्राइवेट रेस्पोंडेंट है? 7 ही है। दूसरा किस्त तो नहीं देखा, गलत काउंटर आ गया लगता है आपको। सुगिया देवी तो हमको गलत फाइल आ गया। हाँ तारा देवी का, तारा देवी को नोटिस नहीं हुआ लगता है। वो फाइल देख लिए जो हम आपको दिए थे? हाँ देख लिए। ठीक है, रेस्पोंडेंट इशू नोटिस टू रेस्पोंडेंट नंबर 7 बोथ प्रोसेस 1 वीक, लिस्ट दिस केस इन द 3rd week ऑफ फरवरी। ठीक है, हमारा बेदखल खाली नहीं करें हम। बेदखल कैसे करेगा? आप कह रहे हैं कि कब्जा दिला रहे हो। नहीं नहीं, उनको नहीं, हमको कब्जा, उनका कब्जा हटाने की बात। हटाने तो बेदखल कहाँ से कर ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल का ऑर्डर। भाई तो कब्जा हटवाना है ना, तो आपको प्रोटेक्शन अभी क्या दें हम? तब तक जो बेदखल हमको नहीं करें, फूस का घर है उड़ा के फेंक देंगे। नहीं, फूस का घर अगर उड़ा के फेंकेंगे तो आप जाके मुकदमा कीजिएगा लोअर नीचे। आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत मुकदमा हो चुका है, अब तो हम ही लोग घबराए हुए हैं। हाँ ये बात भी ठीक है, एक मिनट देख लीजिए। असल बगल में उनका रेस्पोंडेंट का पक्का मकान। द पिटिशनर शैल नॉट बी डिस्पोज्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 7 और हिज एजेंट्स ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस रिट एप्लीकेशन। कहाँ का है ये? मझुआ पड़ता है, बॉर्डर एरिया, फॉरेस्टगंज एरिया। ऑफिसर इन चार्ज पुलिस मझुआ पुलिस स्टेशन विल सी टू इट दैट द ऑर्डर पुलिस स्टेशन फॉरबिसगंज ही बोले हैं। द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट इज नॉट वायलेटेड। मिस्टर इकबाल आसिफ नियाजी एडवोकेट फॉर रेस्पोंडेंट। क्या मिस्टर नियाजी, आप बहुत दिन से गायब थे? जी बिहार में थे कि कहीं बाहर चले गए थे? हां जी थे, हमको लगा कि कहीं बाहर चले गए। छुट्टी नहीं मिल रही थी हुजूर के आने के लिए। क्यों, अदर साइड से तो आते थे आप? जी जी जी, तो सिर्फ शैलेश जी को भेज देते हैं जी, यहां वही अलॉटेड है। चलिए क्या बोलिए मैडम, क्या? एक मिनट लेट मी हियर हिम, क्या है जी? डिस्प्यूट है फॉर रेजिंग बाउंड्री वॉल। हमारा जमाबंदी रनिंग कर रहा है, हम पीसफुल पोजीशन में है। पहले भी जो मैडम काउंटर आ गया क्या? नहीं काउंटर नहीं, काउंटर तो नहीं आया है, इट्स अ डिस्प्यूटेड टाइटल, यू नो। मैडम मैडम फर्स्ट
गेट मी द काउंटर देन आई विल हियर यू. क्या टाइटल में क्या डिस्प्यूट है बोलिए आपने. एक बार एनेक्सर 2 देख लिया जाए. मैडम एवरी टाइटल इन बिहार इज डिस्प्यूटेड एंड एनी पर्सन हु हैज अप्रोच दिस कोर्ट has if he has suffered too much then only he is engaging a high court lawyer and filing writ application. He should get some hearing. If he has filed a writ application, issue notice to the respondent number 4, both process 1 week. The state will file counter affidavit giving para wise reply on all the allegations, all the submissions of the petitioner. List this case in the first week of February. All right. अरे क्या है केस इन शॉर्ट तो बताइए, पढ़कर सुनाने के लिए हम थोड़े बैठे हुए हैं. प्रेजेंट पिटीशनर ऑफ दिस केस, जो प्रेजेंट पिटीशनर है इसमें वो विजय प्रसाद वर्मा एंड किरण वर्मा. छो कट्ठे का एक प्लॉट खरीदे है. कब खरीदे? ऑन बसंती देवी से. कब खरीदे? ये 2016 में खरीदे था. हाँ. वो जमीन खरीदे भैरवी तांती से 1969 में, कट ऑफ डेट था 1970 और उससे पहले 1959 में 21/5 से बंगू दास खरीदे थे वन मंथ किलादर्श से, जिसमें कि 21/5/1959 जबकि किस किस स्टेट का है ये जमीन? बेगूसराय जिला का. अरे बेगूसराय में कौन सा लैंड होल्डर कौन है? महंत महावीर दास. वो तो अर्लियर 1959 का वो थे. अरे अरे महंत बसंती देवी से हम खरीदे. अरे आप तो बसंती, जमींदार कौन था पूछ रहे हैं तो आप. महंत महंत थे. कहाँ है ये? हाँ फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ आपको? उसके बाद हुआ वो 69 में शील्डेड के किए वो बसंती देवी के. शील्डेड कैंसिल हो गया? जिन्हें कैंसिल अभी वो है सीलिंग सीलिंग सरप्लस लैंड के लिस्ट में है. हाँ. उसके बाद वहाँ म्यूटेशन के लिए दे, म्यूटेशन बसंती देवी दी जिसका कि उस पहले 134 म्यूटेशन नंबर से वो खरीद की थी तो उसके लिए दिया तो नहीं किया गया जोड़ा. और तो विदाउट पार्टी विदाउट इंक्लूडिंग द पार्टी प्रेजेंट पिटिशनर ऑफ दिस केस जो है मतलब विजय प्रसाद वर्मा पिटिशनर वन एंड हिज वाइफ कृष्ण मत, उनको कोई पार्टी नहीं बनाया गया. जब उनको पता चला ये बीएलटी से बीएलटी में बसंती देवी मैंने जॉर्ज मैंने हार गई तब यहाँ पर उस ऑर्डर को हम चैलेंज किया. हमको पता चला तो हम क्या है वो ऑर्डर कहाँ है? एनेक्सर 5 है. पेज 39 है. इस नोटिस तो पार्ट कोई प्राइवेट रेस्पोंडेंट तो है नहीं, पार्टी बनाइएगा ना. जी जी. बसंती देवी और बसंती देवी हारी हैं. आप बसंती देवी से परचेज किए हैं? जी जी. ने बसंती देवी उसने एक पावर ऑफ अटॉर्नी वन विपिन कुमार को दिए थे उससे हम खरीदे हैं. यू आर परचेजर ऑफ बसंती देवी थ्रू पावर ऑफ अटॉर्नी? जी. तो पार्टी बनाते हैं बसंती देवी और विपिन कुमार को भी बना देते हैं जो उनका डायरेक्शन है. काहे के लिए हम बोलेंगे कि आप बना दीजिए जबरदस्ती? आप नहीं बनाए जब ड्राफ्ट कर रहे थे तो हम बनाए. द स्टेट विल फाइल काउंटर एफिडेविट लिस्ट दिस केस इन दिस थर्ड वीक ऑफ फेब्रुवरी. इफ द काउंटर एफिडेविट इज नॉट फाइल्ड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बेगूसराय विल पर्सनली अपीयर. फैक्ट्स बहुत दो महीना करके समय हुआ है. इसी में क्या रिलीफ है आपको? क्या रिलीफ है कि मेरा जो है वो 2012 से मेरे जमीन में कोई पोजीशन ही नहीं मिल रहा है और वो उस पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. कौन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं? पिटिशनर. हु इज ही? और जबकि हम ऑल अलोंग. हु इज ही? ही इज द इनक्रोचर. आई एम द परचेजर फ्रॉम आई एम द परचेजर ऑफ द लैंड. ओ यू विल कम टू हाई कोर्ट फॉर रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट? नो. आई एम कम टू प्रोफेशनल फ्रॉम द बीएलडी एक्ट. वो पिटीशन वाज फाइल्ड देयर आफ्टर अपील पिटीशन वाज अलाउड. आई एम द पिटीशनर. अपील बिफोर द कमीशन देयर आफ्टर द केस बिफोर द बीएलटी. इसका हुजूर टाइटल का मैटर है. आने दीजिए बोलिए थोड़ा सा. हम यहाँ पे डिस्टर्ब हैं. हमको बाई फोर्स वहाँ निकाले तभी हमने रिट्राई किया है. That is the only question. वो तो respondent है यहाँ पर बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हो रहा है. आपको by force निकाल दिया गया? निकाल दिया जा रहा था तब हमने किया. जो हुजूर ने उस पर stay भी grant किया है that they will not be disposed by use of force.
What do you say? इसमें have you an extra counter दे दिया आपने? ये counter दे दिया है। क्या? Counter दे दिया है BLD Act के अंदर हमने petition file किया। Being the purchaser in the year 2012, though I have taken you purchase from whom? From the landowner. What is the name of the landowner? Misri Shah. Misri Shah. And he is claiming the land through whom? He is claiming the land that thereafter, after my purchase. He has purchased from somebody else. Whom? He says that BLDR का petition जो file किया गया उसको खाली देखा जाएगा. It is purely like a declaratory suit. मेरा title declare कर दिया जाए, मेरा position declare कर दिया जाए, हमको recovery position दिया जाए. This is what the power that petition has by us. Where is the petition page? Petition answer one. खाली prayer खाली देखा जाए. Page 17. एक मिनट अब हम देखेंगे, आप लोग कुछ मत दिखाइए।